नागरिकता सोध कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में बैठे लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार इस विरोध प्रदर्शन तो बाद हूँ लुधियाना जामा मस्जिद के वलों भी वड्डा ऐलान कर दिया गया है। लुधियाना जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि जलंधर लुधियाना बाईपास से 12 फरवरी तो पक्के तौर पर धरना लगाया जाएगा, जो कि सवेरे 10 बजे तो लैके रात के 10 बजे तक चलेगा। लुधियाना के जिस तरह दिल्ली के जामिया मिलिया के स्टूडेंट ने शाहीन बाग के हिंदुस्तान के संविधान को बचाने वास्ते जिहड़ा लगातार उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह लुधियाना का शाहीन बाग बनाने वास्ते इत्थे जलंधर बाईपास 12 तरीक नूं असीं शाहीन बाग का इत्थे लुधियाने का इफ्तिताह कर रहे हैं। और इस तो पहले असीं सारी समाजिक तनजीमां जिहड़ी शहर दीआं और मजहबी तनजीमां आ उहनां नाल गलबात करके इस चीज़ का ऐलान किया है। साड़ी जिहड़ी शुरुआत होएगी उहदे विच सिख मजहब के लोग अपना ग्रंथ पढ़नगे और हिंदू मजहब के लोग आएंगे वो यज्ञ करेंगे, और इस तरह बाल्मीकि समाज के लोग और इसी तरह ईसाई समाज के लोग सारे मजहबों के लोग पहले उत्थे अपनी प्रेयर करेंगे। उस तो बाद मकसद है कि भी ये जिहड़ा साड़ा प्रोग्राम है लुधियाना शाहीन बाग उतों शुरू होएगा सुबह 10 तो लैके 12 बजे तक, शाम रात के 10 बजे तक। और असी ये जिहड़ा शुरू कर रहे हैं ये हिंदुस्तान का जिहड़ा संविधान है, जिस संविधान को बदलने वास्ते इत्थे दी जालिम हुकूमत ने बहुत बड़ा प्लान बनाया, और उस संविधान की हिफाजत वास्ते असी ये मकसद के काम शुरू कर रहे हैं। जिक्रे खास है कि इस मौके ते शाही इमाम दा कहना सी कि इस धरने दे विच सारे ही धर्मां दे लोग शामिल होणगे। उन्हां दा कहना सी कि सिख हिंदू वाल्मीकि सारे भाईचारियां दे वल्लों उन्हां नूं समर्थन दिता जाएगा। इस मुल्क दे अंदर जिस तरह अफरा तफरी दा आलम इन्होंने फैलाया और चाहते सी कि मुसलमान और हिंदू और बाकी जातियां आपस लड़ जान, लेकिन सानू बड़ी खुशी की गल है कि यह संविधान यह जी लड़ाई है मुसलमान की नहीं हैगी, सारे हिंदुस्तानियों की लड़ाई है और सारे हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मिलकर इस लड़ाई नू लड़ रहे हैं। और जिदा असी जंगे आज़ादी लड़ाई मिलकर लड़ी सी इसी तरह असी इस लड़ाई नू भी मिलकर लड़ रहे हैं, और असी किसी भी ताकत के मूहरे जिहड़ी मकसद है कि सानू धमकाना चाहते हुए असी नहीं डरते, असी सिवाय रब के अलावा किसी मूहरे डरते नहीं है। असी अपनी गल जिहड़ी है वह हर हाल च असी कहांगे, असी अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी सी, असी इस संविधान को बचाने वास्ते भी लड़ाई लड़ांगे। जिहड़े लोगों ने इल्जाम लगाया सी कि भी शाहीन बाग के बिरयानी और 500 रुपया दिता जाता रोज़ाना, उन्होंने असी दावत दें कि साढ़े को तो इदा की कोई गल नहीं, यह सब झूठ है, लेकिन अगर वह बिरयानी खाना चाहते हो असी जरूर उन्होंने उत्ते अपने लुधियाना शाहीन बाग च उन्हों की सेवा करा और बिरयानी भी खिलावे। जी हाँ जी, जब तक मकसद है कि कोई रस्ता नहीं रोक रहे, और दूसरी गल है कि असी रस्ता नहीं रोक रहे कोई, असी लिमिटेड जी जगह उत्थे सानू मिली हुई है असी उहदे विच ही करांगे, किसी ट्रैफिक नू कोई मकसद है कि भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी कड़े-कड़े भाईचारे वल्लों तुहानू समर्थन करना है? सिख मजहब तो भी है जी, ईसाई मजहब तो भी है, क्रिश्चन तो भी है, बाल्मीकि समाज तो भी है, और कल अपना रविदास जिहड़ा उन्होंने जिहड़े प्रमुख है उन्होंने भी सानू कहा है असी साथ देवांगे, तो सारे मजहबां दे लोग साडे नाल खड़े हैं। लुधियाना तो कुलबीर राही दी स्पेशल रिपोर्ट दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।